प्रदेश सरकार ने 16 शहरों में 24 घंटे व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इंदौर शहर के व्यापारियों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। व्यापारियों का मानना है कि बाजार खुलेंगे तो व्यापार बढ़ेगा, लेकिन अपराध की दर और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। साथ ही रात में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किए जाने की बात भी सामने आई है। खुला रहेगा, बाकी आप ये देखिए कि व्यापार तो ठीक है, अपनी जगह पे चलेगा ही चलेगा, बाकी गुंडागर्दी, फालतू की चीजें, उत्पाद, नशाखोर, ये भी बढ़ेगा। आप ये देख लीजिए कि वो भी बढ़ेगा। 24 घंटे व्यापार नहीं चलेगा, 24 घंटे खाने के ठिए चलेंगे, इसको इस हिसाब से कह सकते हैं। नशाखोरी बढ़ने की संभावना है, उस पर किस तरीके से सरकार कंट्रोल करती है वो देखना पड़ेगा। अभी इस बारे में बोलना बहुत जल्दबाजी है, पहले लागू हो जान दीजिए कि किस तरीके का कल्चर है, क्योंकि इंदौर दो पार्ट में बटा हुआ है। स्टूडेंट हब होने की वजह से यहाँ पे 15 से 18 लाख स्टूडेंट हैं जो नाइट का कल्चर चलाते हैं, और उन्हीं में नशाखोरी और ये देखने को मिलता है। अब उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, क्राइम पे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, लूटपाट होती है, और मॉल्स वगैरह भी रात में चालू करने का निर्णय है स्वागत योग्य, लेकिन उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा वो सरकार पे डिपेंड है। इसका फायदा और नुकसान दोनों डिसाइड सरकार ही करेगी। अरे हमारे मुख्यमंत्री ने तो कहा कि एक भी योजना बंद नहीं होगी, और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि लाडली बहना को हम योजना बनाकर, अगर उनके पास मकान नहीं होगा तो मकान बनाकर। अरे हमारे मुख्यमंत्री ने तो कहा कि एक भी योजना बंद नहीं होगी, और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि लाडली बहना को हम योजना बनाकर, अगर उनके पास मकान नहीं होगा तो मकान बनाकर। तो आपको बता दें कि ये खबर इंदौर से, जहां सीएम ने भी सहमति पूरे मामले में दे दी है, और बस आदेश जारी होने तक का इंतजार करना होगा। तो 24 घंटे अब शॉपिंग मॉल इंदौर में खुलने की तैयारियां हो रही हैं, यानी कि अब रात को भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। प्रस्ताव में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और पीथमपुर का नाम शामिल है, इसके अलावा अन्य शहरों का भी नाम शामिल है। तो 24 घंटे अब शॉपिंग मॉल खोलने की तैयारी मध्य प्रदेश में कई शहरों में हो रही है, और उसको लेकर आपको बता दें आदेश जारी होने का इंतजार है।